छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया रिव्यू में। इस एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को। तो चलिए जानते हैं ये फिल्म कैसी रही और शुरू करते हैं। लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूं। इस मिट्टी की आजादी जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्षिण हिंद का पाया तख्त होगा गोंडाना। गोंडाना जीतना इतना आसान नहीं है। एक ही शिलेदार है जो एक आमगिरी फतेह कर सकता है। मुक्का मुमरत नाउ सुबेदार तानाजी मालुसरे। तन्हाजी द अनसंग वॉरियर सुबेदार तन्हाजी मालुसरे की शौर्य गाथा है। तन्हाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त और उनके सेनापति थे। गोंडाना का किला मुगल शासक औरंगजेब के हाथ में था, जिसपे उसने अपने वफादार उदयभान राठौर को किलेदार बना के भेजा था। फिल्म की कहानी के दौरान तन्हाजी काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करते हैं और अंत में ये किला हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपनी चोटों के कारण वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह बोलते हैं कि गढ़ आला पर सिंह गैला, जिसका मतलब यह है कि गढ़ या किला तो आ गया पर शेर चला गया। फिल्म में अजय देवगन तन्हाजी मालुसरे का पात्र निभाते हैं, सैफ अली खान उदयभान राठौर का किरदार निभाते हैं और शरद केलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का पात्र निभाते हैं। काजोल तन्हाजी की पत्नी का रोल निभाती हैं और लूक केनी औरंगजेब का पात्र निभाते हैं। फिल्म निर्देशक ओम रॉथ के निर्देशन में बनी है। यह फिल्म अजय देवगन की 100वीं फिल्म है और वह इस फिल्म के माध्यम से ये स्पष्ट कर देते हैं कि वह एक बहुत ही कुशल अभिनेता हैं। भले ही उनके भाषण हो या फिर उनके भाव, वह तन्हाजी के पात्र को काफ़ी सरलता से निभा लेते हैं। सैफ अली खान की एक्टिंग काफ़ी वास्तविक है, वह उदय भान को एक खूनखार और शक्तिशाली पात्र बना देते हैं और काफ़ी जगह पद्मावत के रणवीर सिंह और पानीपत के संजय दत्त के जैसे लगते हैं। सैफ की एक्टिंग इस फिल्म में सबसे अच्छी है। शरद केलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पात्र के लिए अपनी कद काठी और अपने व्यवहार की वजह से एकदम उचित बैठते हैं। काजोल के सीन्स कम हैं, लेकिन उनकी और अजय की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से स्क्रीन पर दिखती है। तन्हाजी का VFX बॉलीवुड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है और बाहुबली के लेवल का है। अगर आप ये फिल्म 3D में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस फिल्म का VFX एकदम मार्वल की फिल्मों के जैसा है और देखने में एकदम वास्तविक लगता है। फिल्म बीच में थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन इंटरवल के बाद रफ्तार पकड़ लेती है। तन्हाजी में कोई ऐसा मौका नहीं है जब आप बोर हो जाएंगे या फिर आप अपना ध्यान खो बैठेंगे। फिल्म की आखिरी लड़ाई तन्हाजी मालुसरे और उदय भान के बीच में होती है, जिसका पूरी फिल्म में बिल्डअप होता है। आखिरी लड़ाई काफ़ी शानदार है और पूरी फिल्म के इंतज़ार के लायक है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि यह फिल्म एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित होने के कारण इतिहास को तोड़ मरोड़ के नहीं दर्शाती। फिल्म में बड़े ही स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि मराठा साम्राज्य स्वराज और भगवे ध्वज के लिए लड़ रहा है। फिल्म में मुगलों को उपनिवेशीवादी या कॉलोनाइजर दर्शाया है, जो एक सच्चा चित्रण है, क्योंकि हमारी इतिहास की पुस्तकों में भारतवर्ष में उपनिवेशीवाद अंग्रेजों के आने से ही शुरू होता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिए। मैंने ये फिल्म खुद 2 बार देखी और शायद ये फिल्म 2020 की पहली 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनेगी। आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखने जा सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप ये फिल्म 3D में ही देखिए, क्योंकि ये फिल्म इसी लायक है। चलिए आ जाते हैं रेटिंग्स पे। तो इस फिल्म की एक्टिंग के लिए मैं दूंगा 5 में 4.5 स्टार। इस फिल्म के VFX के लिए मैं दूंगा 5 में 4 स्टार और इस फिल्म के एक्शन के लिए मैं दूंगा 5 में 4 स्टार। कुल मिला के इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में 4 स्टार। चलिए ये था आज का रिव्यू। अगर आप मेरे विचारों से असहमत या सहमत हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मंचे मूवीज पे इसके बारे में बता सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।